इस भागती दौड़ती जिंदगी में जहाँ हर शख्स अपने परिवार को बेहतर परवरिश देने के मकसद से दिन रात मेहनत कर रहा है, हर शख्स चाहता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर एक बेहतर इंसान बने और समाज में खूब नाम कमाए। लेकिन अगर हम बात करें एक दिहाड़ी मजदूर के परिवार की, तो उसके लिए अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो दूर की बात है, उनके लिए दो जून की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब मजदूरी के लिए दोनों माँ बाप काम पर निकल जाते हैं, तो पीछे से इनके बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में 17 साल पहले इन लोगों के बारे में सोचकर शुरू हुआ नव सृष्टि का सफर, जिसने इन बच्चों को संभालने और शिक्षित करने का जिम्मा उठाया है। ये वो लोग हैं जो वंचित रह गए हैं, जो माइग्रेंट लोग हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, जिनका यहाँ उस तरह का कोई पहुँच नहीं है, एक्सेस नहीं है, और उनकी लड़कियों को, उनके बच्चों को हम यहाँ तालीम देते हैं। और जैसे ही एडमिशन का समय होता है, जो बच्चे स्कूल में भर्ती हो पाते हैं उनको मेन स्ट्रीम में सरकारी स्कूल में भर्ती करवाते हैं, और जो लड़कियाँ बड़ी हो गई हैं जिनका एडमिशन नहीं हो सकता है उनको ओपन स्कूल से हम लोग 10th 12th करवाते हैं। आज ये नन्हे मासूम नवसृष्टि की कोशिशों की वजह से अपने सुनहरे भविष्य के सपनों को पूरा करने की तैयारी में लगे हुए हैं। इन छोटे छोटे बच्चों की आंखों की चमक और जुबान से निकलती मीठी कविताओं के शब्द ये बयां कर रहे हैं कि यहाँ आकर इन्हें वो खुशी हासिल हुई है जिसके लिए ना जाने वो कब से तरस रहे थे। माता पिता के काम पर चले जाने के बाद बच्चों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नव सृष्टि की ही होती है। आप जो क्रेच प्रोग्राम या बालवाड़ी में देखेंगे, इस तरह के बच्चे हैं जिनकी माँ कोठियों में काम करने गई या कहीं भी, तो जो बच्चे हैं उनको कहाँ वो रखे। और कई बार प्रेशर तो पूरा औरत पर रहता है, उसको घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, बच्चे भी देखना है, और बच्चों के साथ कुछ हो जाए तो मार भी उसी को खाना है। तो इन सब की वजह से हमेशा सेक्रीफाइस महिलाओं को ही करना पड़ता है। तो उसमें ही हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम कुछ महिलाओं को सपोर्ट के लिए उनके बच्चों को हम इस तरह क्रेच सपोर्ट दे सकते हैं, तो वो निश्चिंत रूप से अपना काम पे जा सकती है, और इससे जो भी वो अपना अर्न करेगी, जो कि उसका अपना अर्निंग होगा, उसका किसी के सामने हमेशा हाथ फैलाने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। नव सृष्टि बच्चों के अलावा महिलाओं के विकास को लेकर भी कई तरह के प्रोग्राम चला रही है। बच्चों को शिक्षित और सभ्य बनाने के साथ साथ ये ऑर्गेनाइजेशन वुमेन एम्पावरमेंट पर भी खासा जोर दे रही है, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है रीना बेनर्जी को। करीब 10 लड़कियों से शुरुआत किया था, और आज इस ऑर्गेनाइजेशन में करीब हम लोग 50,000 फैमिली के साथ काम कर रहे हैं। 3,00,000 पॉपुलेशन के साथ हम दिल्ली और हरियाणा में काम कर रहे हैं। दिल्ली में हम करीब 5 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं और हरियाणा में हैं, और मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे बच्चों के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए हम काम करें, और उस दिशा में ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रही है। आज इस संस्था में महिलाओं को हर तरीके से सक्षम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें, इसके लिए उन्हें हर तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। यहां आकर न सिर्फ इन्हें अपने अंदर छिपी काबिलियत को जानने का मौका मिल रहा है, बल्कि साथ ही अपने पैरों पर खड़े होने का हौसला भी हासिल हुआ है। नवसृष्टि में कई गतिविधियां आपको देखने को मिलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे हम महिला सशक्तिकरण को हम बढ़ावा दे सके, और महिलाओं को उनके पांव पे खड़े करने के लिए, और उनको हर तरीके से उनको हम इतना स्वावलंबन बना सके कि कोई भी विकट परिस्थिति आए तो वो महिलाएं अपने जीवन के लिए आगे आ सके, आगे बढ़ सके। नवसृष्टि अपने लेवल पर महिलाओं और बच्चों की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए काफी सक्रिय है, इसलिए उन्होंने महिलाओं के लिए काउंसलिंग सेंटर्स भी खोले हुए हैं, जो उन्हें हर तरह से मदद करते हैं। हमारे पास दो तरह का यहाँ आप काउंसलिंग देख रहे हैं, एक तो है फैमिली काउंसलिंग, जिसमें फैमिली में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसकी मदद के लिए हैं हम लोग, और दूसरी काउंसलिंग जो है उसमें
कम्युनिटी के लिए है, ये बस गांव के लिए है। उसके अंदर यहाँ करीब 1,00,000 लोगों को हम कवर करते हैं। और ये GRC जेंडर रिसोर्स सेंटर है, ये सरकारी दिल्ली सरकार की तरफ से है कि सरकारी जितनी योजनाएं हैं उसका लोगों को इसकी जानकारी मिले और इसके लिए कैसे उनको मदद मिल सके। जैसे विधवा पेंशन, विधवा पेंशन के लिए बहुत सारी महिलाओं का ये शिकायत है कि उनको बहुत धक्के खाना पड़ता है, उनका होता नहीं है। अब इस रिसोर्स सेंटर के जरिए उनका पूरा पेपर हम लोग चेक करते हैं, सब कुछ देखने के बाद हम लोग DC ऑफिस में इसको जमा करते हैं और ऐसे बहुत सारी महिलाओं को इससे फ़ायदा हुआ है। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों की नींव रखकर उसे मजबूती से खड़ा करने का हुनर रखने वाले खुद अभावों में गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसी ही कोशिशें अगर समाज का हर शख्स करे तो शायद दुनिया और भी खूबसूरत बन सकती है।